Hey guys, welcome back to our channel Delhi Interviews. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, अब हम इस मुश्किल ड्रामे के एपिसोड 13 पर पहुंच चुके हैं। 12th एपिसोड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एपिसोड 13 पर रिएक्शन देते हैं। तो चलिए guys, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से रिएक्शन देते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखो सफिया, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है भाई। ठीक है ये। सुनो, बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब चाहे दो जोड़ों में सही मेरी बहू को मेरे हवाले कर दो। अब ईमान से का सुना गनम देखा नहीं जाता है ना सुकैना। तुमसे तो जोहेब ने बात की होगी ना, है ना? जी जी बिल्कुल, जीती रहो जीती रहो। अच्छा पुप्पो, वो बुजुर्ग तो नहीं आए दोबारा आपके ख्वाब में? अल्लाह ना करे मेरे ख्वाब में आए। उनका तो बस एक ही दफा दीदार हुआ था, बहुत जला लिए हैं वो। अल्लाह ना करे दोबारा कभी दीदार हो उनका। अच्छा सफिया, वो शिबरा नहीं आई अभी तक? मैंने सुना है उसे बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, उसके साथ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। 50 लाख नहीं, 5 लाख। 5 पैसों की भी रही है। डाउट, हमें रुकना चाहिए था, नहीं तो इतना बड़ा मसला क्रिएट नहीं होता। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। खैर, अब हमें इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालना होगा। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ प्रेस रिलीज निकालेंगे। हां, लगती है चीजें। एफआईआर ट्राइंग उस ड्राइवर के खिलाफ जिसकी गलती थी, और जो मर गया उसकी फैमिली को हर्जाना पे कर देंगे। दिस इज नॉट द बिग प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। व्हाट्स दैट? मेरी सबके सामने बेइज्जती हुई है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू? हाउ डेयर शी? Calm down. अरे ले शिब्रा भी आ गई। शिब्रा आओ ना बेटे, देखो पप्पू आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पप्पू की जान मैं सदके मैं कुर्बान, कैसी हो? सुना है शिब्रा तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिला है, और पैसे भी मिले हैं बहुत सारे, हमें भी तो दिखाओ कौन से रंग के नोट मिले हैं। वो इनाम और नोट ना मेरी दोस्त के पास रह गए। असल में है दोस्त के पास रह गए? एतबार वाली तो है ना भाई, आजकल जमाना बड़ा खराब है। शिब्रा क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? मुझे देख के इसकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है हमेशा। नहीं नहीं, क्या हुआ है बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो यूनिवर्सिटी से आ रही थी ना, तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गई, जख्मी था बहुत। थक गई हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। शिब्रा तुम तो बेटा, मैं देखती हूँ। ये करेक्टर बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। पैसे नहीं दिखे यार इसको। यारी में कुछ तो काला था। सफिया एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। आपकी पहले कौन सी पे बात अच्छी लगी है जो आज बुरी लगेगी? मैं कह रही थी कि देखो, लोग लड़की से डरे ना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़की सबको डरा के रखे ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। समझी नहीं क्या कहना चाह रही हैं? तुम शिब्रा को मुझसे बेहतर जानती हो सफिया, पता तो करो बात क्या है असल में। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पूरी खबर चाहिए पेट में दर्द हो रहा है। पैराम ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर इस लड़की का क्या पता चला? सर बायोडाटा निकाल लिया उसका सारा मैंने। वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, और उसका बाप एक सरकारी अफसर है। एक जमाने में सर हमारी पार्टी के लिए काम किया करता था। अच्छा, क्या नाम है उसका? सुलेमान अहमद।
बनता है। सुलेमान अहमद लेकिन आप क्यों आए? उनको अपने साथ दावत पर ले जाने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? जाओ जाकर देखो। बताइए तो बात क्या है, किया क्या उसने? रिश्ता क्या आपका उनके साथ? माँ हूँ मैं उसकी। और ये खातून कौन है जो वहाँ खड़ी? मैं सफिया, बताओ ना इनको, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं तो खड़ी देने आई थी। अम्मा बाबा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी, मेरा घर अकेला है, ठीक है? खुदा छोड़ो मुझे, क्या मसले, छोड़ो, हाथ मत लगाओ मुझे, ऐसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो मुझे? हाँ तो आप ही बता दीजिए मैडम, कैसे लेकर जा सकते हैं आपको? भाई इतना तो बता दो, इसने किया क्या है? अरे भाई, आपकी बेटी के खिलाफ बहुत सारे शहरियों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लिहाजा तफ्तीश के लिए थाने लेकर जाएंगे ना। झूठ की बोल रहे हो? हाँ झूठ की बोल रहे हो, साफ साफ कहो, दाऊद अली खान ने भेजा तुम्हें यहाँ? दाऊद अली खान? शिब्रा, दाऊद अली खान के साथ क्या किया बेटा? कुछ नहीं किया मैंने अम्मा, झूठे मुकदमे लगा रहा है ये। इंस्पेक्टर बात सुनो, अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? Show me my arrest warrant right now. Oh madam, ये ज़्यादा अंग्रेजी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो। शिप्रा, छोड़ा मेरा। दोबारा हाथ लगाने की गलती मत करना। तुम्हारी औकात मेरे सामने दाऊद अली खान के पालतू जानवरों की तरह है। अब बेफोर जाओ यहाँ से और अरेस्ट वारंट लेकर आओ। और अगर अरेस्ट वारंट ना ला सके ना, तो वापस आने की जरूरत नहीं है। भाई क्या जवाब दिया है? चाटा मारा। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया और कहा वारंट लेकर आओ। क्या कहा? वारंट लेकर आओ। तू चल मेरे साथ। तेरे तो डेथ वारंट जारी कर दिया मैंने। तो अभी भी कहना पड़ेगा, मतलब ठंड नहीं पड़ी तुम लोगों को? पकड़ो इसे, बल्ले कराओ। चलिए मैडम, हाथ छोड़ो बेटा, अम्मा फिक्र ना करें। अरे सही कहा, मेरी बच्ची को तो छोड़े, सही दिया घुमा के भाई उल्टे हाथ का। ओ भाई जल्दी ला दे यार, गांव से आया हूं, ठग मत लेना मुझको, ये देख रहा हूं शीशे से। आ सुखी। फजल भाई प्लीज मेरी बात सुने, जल्दी आप प्लीज बाबा को लेके जल्दी घर आ जाए, यहाँ पे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद। क्या मतलब बर्बाद हो गया? वो शुभ्रा को लेके चले गए हैं फजल भाई, आप प्लीज घर आ जाइए। कौन लेके चले गया? परेशान मत हो, देखो मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। करेगा भाई ये कुछ तो करेगा। और इसके हाथ में आगे चले। अब क्यों शर्मा रही है? उस वक्त शर्म नहीं आई जब साहब को थप्पड़ मार रही थी। आगे देख
देखने में ऐसा लग रहा है हरामी टाइप का। रणवीर एफआईआर काट मैडम के साथ। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की, और सुन दूसरी एफआईआर भी काट। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की वर्दी फाड़ने की और उसको गालियां देने की। हाँ, तीसरी भी काट ही दे कि मैडम ने तुम्हें जानवर कहा है, कुत्ता। हाँ, देखो ना क्या हो गया। साहब पे तलवे चाट चाट के शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्या? और फुकार ये भाई। कह दो दाऊद अली खान से जाके हिम्मत है तो ये झूठी एफआईआर ना कटवाए। हिम्मत है तो सामने आके बात करे। आवाज बंद करो और ये नजरें जो है ना नीचे ही रखो, ठीक है? नहीं देखूंगी। अब बता क्या करेगा? ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ये नजरें जो है ना नीचे। इनको तो ऐसी देखो, इनको देख रहे हैं भाई ऐसे। इसने फेर ली नजर, ये देख रहा हूँ मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। तेरे को इज्जत ही नहीं मिल रही मेरे को तो। इसकी नजर फिर गई भाई, ये होता है जब। अब तो ये पर्सनल हो गया। टेस्ट मैच खेलेंगे तुम्हारे साथ, वनडे वाले नहीं हो। ले जाओ उसको, इनके डैडी भी आए ना तो मिलने मत देना। Right. और टेस्ट मैच की तैयारी कर। चलो बुरी तरीके से खेल सकती है उसको, बहुत ज्यादा। उसको तो बेफालतू मार दिया हमने, कपड़े फाड़ दिए उसके। वो दिखाने के लिए कि वही ऐसा ऐसा करा उसको। मजा आ गया, सीधा ही जवाब दे रही थी यार बंदी। क्या मतलब, क्या चाटा मारा था यार, घुमा के लिए बदतमीजी कर रहा था यार, और वहीं चुप हो गया। कैसे पकड़ सकता है भाई, बदतमीजी दिखाएगा तो थप्पड़ खाया रही। और अरेस्ट वारंट भी तो नहीं है ना, बात ये है उसने सही बोला। जब लेडी कांस्टेबल है तू क्यों हाथ पकड़ रहा है? पकड़ रहा उसने सही मारा, और वारंट भी नहीं है ना। वारंट भी नहीं है तो तुम वही हो यार, दाऊद अली खान के वो चमचे हो। चमचे उसने सही बोला, सही बोल रही थी बिल्कुल। और अब यार नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा कि मतलब वो करता क्या यार, देखने वाली चीज होगी। हाँ बंदा करता क्या यार, क्या करेगा यार, मतलब कैसे अपने पापा को कॉल करेगा या क्या करेगा, कैसे सेटिंग बिठाएगा, वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि यार जिससे वो प्यार करता है वही जेल में है, और उसकी एंट्री क्या होगी, क्या करेगा फजल बख्श, उसके लिए तो यार देखने के बाद ही पता चलेगा। खेल जाएगा यार, खेल जाएगा भाई वो।
तो गाइस पागल है वो, आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। पागल हो गया होगा बंदा यार वो बिल्कुल। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इस एपिसोड को। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।